नमस्कार। खबर दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र शुक्ला। समाजवादी पार्टी ने मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव में अपना दमखम दिखाया और एक विधायक भी जीत कर आए। इसके बाद अब लोकसभा चुनाव की तैयारी के मद्देनजर पूर्व विधायक और समाजवादी पार्टी के मध्य प्रदेश के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष दीप नारायण यादव ने मीडिया के सामने अपनी बात रखी। मीडिया के सवालों के जवाब देते हुए उन्होंने बताया कि समाजवादी पार्टी की तैयारी बेहतर चल रही है। उन्होंने खजुराहो और टीकमगढ़ लोकसभा पर भी अपनी बात रखी तो वहीं साध्वी प्रज्ञा पर भी बोले। आइए देखते हैं क्या कह रहे हैं दीप नारायण यादव इस चुनावी माहौल में। मध्य प्रदेश में लोकसभा की चुनावी तैयारियों को लेकर क्या तैयारी है समाजवादी पार्टी की, खासतौर पर टीकमगढ़ लोकसभा क्षेत्र में और खजुराहो लोकसभा क्षेत्र में? हमारी अच्छी तैयारी है और हम देख रहे हैं लोगों में उत्साह है। अगर हम वोट परसेंटेज को भी देखते हैं तो विधानसभा के विगत चुनाव में हम लोगों को दोनों पार्टियों को मिला के 3,25,000 वोट मिले हैं। वो अपने आप में बड़ा नंबर है। मैं कह सकता हूं कि हम लड़ाई में हैं टीकमगढ़ सीट पर पहले दिन से ही, और हमें प्रत्याशी भी अच्छे मिले हैं। आर डी प्रजापति जी, उनका व्यक्तिगत प्रभाव है, उनके बेटे भी MLA हैं, खुद MLA रहे, लोकसभा भी लड़े हैं, जिला पंचायत के अध्यक्ष भी रहे हैं, तो हम कह सकते हैं जनता का समर्थन मिल रहा है। वहीं लोग भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस से नाराज़ भी हैं, क्योंकि ना तो भारतीय जनता पार्टी के पिछले 15 साल में कोई उनके काम हुए हैं, और वहीं कांग्रेस से भी निराशा मिली है, क्योंकि देश का चुनाव है, आम लोगों का चुनाव है। दोनों ही दलों को लोगों ने मौका दिया काफ़ी लंबे समय तक, पर मध्य प्रदेश के गाँव के गाँव बर्बादी कगार पर खड़े हैं, कर्ज में डूबे हैं, डेवलपमेंट जीरो है। मैं कह सकता हूँ गठबंधन को अपार सफलता मिलने वाली है। पहली बार ऐसा हो रहा है जब सपा और बसपा एक साथ गठबंधन में चुनाव लड़ रहे हैं, एक नया अनुभव है वोटर के लिए भी, क्या गणित बनती दिख रही है इसमें? मैं कह सकता हूं कि गणित पहले से फिक्स है कि देखिए, आप अगर हम गांव के या किसी गांव की समीक्षा करें तो दलित पिछड़े मिलाकर और गरीबों की संख्या मिलाते हैं तो ये 85% है। मैं कह सकता हूं कि इनके ही वोटों से सरकारें बनी हैं, लोग जीते हैं, पर जीतने वाले लोगों ने कभी मुड़के नहीं देखा इनकी तरफ। जहाँ तक समाजवादी पार्टी के राजनीतिक सफर का हिस्सा है तो आपको पता है कि आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी जब जब भी सत्ता में आए हैं, गरीब कैसे तरक्की करे, कैसे गांव विकास की तरफ जाए, अखिलेश जी की योजनाएं 17 लाख लैपटॉप गरीब मजदूर किसानों के बेटों के हाथों में पहुंचा दिए, सड़कें बनाई, बांध बनाए, मेट्रो बनाया, डेवलपमेंट की जो इतिहास उन्होंने लिखा कम समय में, वो आज भी लोगों के जहन में है। बेरोजगारी भत्ता हो, पेंशन योजना हो, वो सारी बातों को लेकर मैं कह सकता हूँ कि सत्ता को गरीब की तरक्की का साधन बनाने की कोशिश की गई। वहीं बहुजन समाज पार्टी की लीडर बहन मायावती जी, जिनकी सत्ता शासन में अपने आप प्रशासनिक क्षमता के विषय में पूरा देश उदाहरण मानता है, उनको उनके फैसलों को मानता है, कि उनके उपस्थिति जो है लोगों में जागृति पैदा करती है। मैं कह सकता हूँ पिछड़े दलित सब मिलाकर बड़ी संख्या है, और वोट ठीक पड़ा तो दोनों बड़े दल छोटे होने में समय नहीं लगेगा। भाजपा कह रही है कि फिर से मोदी सरकार आएगी क्योंकि मोदी की लहर और ज़्यादा बढ़ गई। यही तो दुर्भाग्य इस देश का, इस लोकतंत्र में किसी के नाम पर सरकार बनानी थी। ये लोकतंत्र इसलिए बना था कि लोगों की समस्याओं को लेकर चुनाव लड़ेंगे लोग, उनके समाधान के रास्ते पर बात करेंगे। 70 सालों में यही धोखा तो हो रहा है, जब लोगों की ज़िंदगी बदलने के सवाल पर चुनाव होना चाहिए तो लोग किसी व्यक्ति का नाम ले रहे हैं, नए मुद्दे ला रहे हैं, और नए मुद्दे लाकर गरीबों को धोखा देना चाहते हैं, गाँव को फिर धोखा देना चाहते हैं। ये किसी को राजा बनाने की लड़ाई नहीं है, लोकतंत्र है। ये सबकी सहमति से एक ऐसा तंत्र बने जो गरीब को तरक्की के रास्ते पर ले जाए, गांव को बदल दे, लोगों की ज़िंदगी में बदलाव लाने की कोशिश करे, ये बताएं। ये किसी को राजा बनाने की लड़ाई नहीं, लोकतंत्र है। लोग अपनी सरकार बनाएंगे, अपने भाग को बदलेंगे। मैं कह सकता हूँ तो गठबंधन को बहुमत मिलने वाला है। सांसद वीरेंद्र कुमार को एक मजबूत प्रत्याशी के तौर पर भाजपा देख रही है, वो मंत्री भी रहे मोदी सरकार में, उनसे मुकाबले में सपा कहाँ? देखिए, उनके विषय में मैं क्या बोलूँ, आप किसी आम चलते लोगों से पूछ लो, वो 4 बार जहाँ सांसद रहे वहाँ लोग नहीं पहचान पाए उनको। यहाँ भी 10 साल सांसद रहे, कितनी बार लोगों के बीच में आए हैं। अरे भाई, एक काम तो गिना दो गरीबों के लिए, क्या किया आपने? एक सड़क बता दो, एक बांध बना दो, एक कोई काम बता दो। आपने जब कोई काम किया ही नहीं, आप बनना चाहते हैं, बनाने की योजना कोई नहीं है। अब की बार लोग भी ठिकाने लगाने वाले हैं इनको। प्रज्ञा भारती के जो बयान, ताज़ा बयान जो हेमंत करकरे के विषय में उन्होंने दिया है, इसको लेकर क्या कहेंगे आप? हम ये कहेंगे कि यही तो बातें हैं, जिस समय ये आम चुनाव, जिस समय चर्चा हो कि कैसे हम गांव को बदलेंगे, कैसे हम गरीबों किसानों मजदूरों के बेटे जो गांव, उनकी पढ़ाई का कैसे अच्छा इंतज़ाम करेंगे, कैसे हम किसान को कर्ज से बाहर निकालेंगे, कैसे हम उनकी ज़िंदगी में बदलाव लाएंगे, कैसे हम रोज़गार लगाएंगे, चर्चा जब इन पे हो तब ये बेईमान लोग जो गरीबों पर राज करना चाहते हैं, नई बातें कह के दिशा को बदलना चाहते हैं। आप किसी के बारे में क्या राय रखते हैं, ये क्या जो बोल रहे हैं, वो आप अपने आप में देखिए कि इनके विचार, ये वो पार्टी है जो अपने आप को राष्ट्र बता रही है। एक पुलिस का अधिकारी जो अपनी ड्यूटी निभा रहा है, उसके विषय में इनकी क्या राय है,
कम से कम ये चिंतनीय है, ये चिंता करने योग्य है कि राष्ट्रवाद का सर्टिफिकेट बांटने वाले लोग किस स्तर पर गिर गए हैं। बहुजन समाज पार्टी इन दोनों सीटों पर मैदान में नहीं है, लेकिन कांग्रेस ने एक अहिरवार प्रत्याशी को मैदान में उतारा है, खासतौर पर टीकमगढ़ सीट पर। तो इसमें आपको लगता है कि बसपा के जो कार्डर वोट है उसमें सेंध लगाई है कांग्रेस ने? हमने कहा कि गरीबों को मालूम है कि हमारे ऊपर राज्य करने की नीयत से कितने षड्यंत्र हुए हैं। दो विकल्प लोगों के सामने हैं, एक तरफ कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, वो हो सकता सांसद बन जाएं, लेकिन अगर गठबंधन जीतेगा तो बहन मायावती प्रधानमंत्री बन सकती हैं। हजारों साल का हिसाब किताब चुकता हो सकता लोगों का कि एक सांसद बनकर किसी की जागीर का हिस्सा बन सकता है। वो सांसद जो लड़ रहे हैं वो किन किन से घरानों से आते हैं, किन के अधीन काम करना है उनको, लेकिन गठबंधन बनेगा तो देश की राजनीति बदल सकती है, गरीबों की तकदीर बदल सकती है। लोग अपनी ज़िंदगी बदलना चाहते हैं, किसी को बनाना नहीं चाहते, बल्कि अपनी ज़िंदगी में बदलाव चाहते हैं। कब भेदभाव मिटेगा? जिस दिन बहन मायावती ताकतवर होंगी, अखिलेश यादव ताकतवर होंगे, मैं कह सकता हूं अब भटकने वाला नहीं है, अब की बार तो वोट गठबंधन को मिलने वाला है, गठबंधन विकल्प होगा देश की राजनीति में। समाजवादी पार्टी पूर्व डकैत बुंदेलखंड के बड़े डकैत ददुआ के बेटे को टिकट देकर क्या संदेश देगी? देखिए, जो राय आपने रखी है, मैं कह सकता हूँ कोई व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति हो जीवन में, उसके संग जो घटनाएं जुड़ी होंगी, वो कैसे डकैत बने, क्यों बने थे, उस इतिहास में नहीं जाना चाहते। लेकिन क्या ज़रूरी है कि कोई डकैत हो उसका बेटा भी डकैत होगा? उसके बेटे के विषय में क्या राय है आपकी? जब से पैदा हुआ संघर्ष करके जिए हैं, पढ़े लिखे हैं, विधायक बने हैं, ज़िंदगी में जिला पंचायत का अध्यक्ष रहे हैं, लोगों के बीच में जीते मरते हैं। किसी के पिता कोई घटना करते हैं तो क्या बेटे को दोषी बना दोगे? ये तो कोई अदालत नहीं कहती, कोई इंसाफ की वो नहीं बोलती। मैं कह सकता हूँ कि वो एक साधारण परिवार से निकल कर आए हैं, और जिस तरह से गरीबों, किसानों, मजदूरों का समर्थन मिल रहा है, गरीबों की आवाज़ बनकर उभरे हैं वो राजनीति में, मैं कह सकता हूँ समर्थन मिलेगा और वीर सिंह पटेल खजराव से सांसद होंगे। समाजवादी पार्टी सिर्फ आरडी प्रजापति चुनाव लड़ रहे हैं, आपके जो क्षेत्रीय विधायक हैं जिनने सपा से चुनाव जीता है या अन्य कार्यकर्ता तो मैदान में नजर ही नहीं आ रहे? नहीं नहीं, आपको गलतफहमी है। आप किसी भी विधानसभा में विषय में जानकारी करिए, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के गठबंधन पूरी ईमानदारी के साथ काम कर रहे हैं, और ये जो भ्रम फैला रहे हैं कि हम एक दूसरे को वोट देने वाले नहीं हैं, मैं उनको भी बताना चाहता हूं कि हम दोनों की दोस्ती बहुत पुरानी है, हमारे रिश्ते बहुत पुराने हैं। ये लोग जो हिंदू बनाकर वोट लेते हैं हमसे, ये वही लोग हैं जिन्होंने हिंदू बनाकर हमें शूद्र बनाया था। ये पिछड़े वर्ग की जातियाँ हो, यादव हो, लोधी हो, पटेल हो, कुशवाहा हो, रायकवार हो, या जो भी पिछड़े वर्ग की जातियाँ हैं, भले ही आज ये पिछड़ा वर्ग कह रहे हैं लोग, लेकिन सच्चाई ये है कि इन्होंने भी शूद्रता वर्षों काटी है साथ में, और हम आपस में जी लेंगे और लड़ने वाले नहीं हैं। हमें मालूम है ये लड़ाकर ही लोग हमारे ऊपर राज करते रहे हैं, अब इनका राज चलने वाला नहीं है। वोट हमारा, राज तुम्हारा, ये अब होने वाला नहीं है। हम इकट्ठे हैं, राजनीति को बदलेंगे, देश को बदलेंगे, समाज को बदलेंगे, गांव को बदलेंगे। मुझे भरोसा है समर्थन फिर गठबंधन को मिलेगा। खबर दिन भर में इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।